गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर फोर, नीड ऑफ साइलेंस, देखेंगे उसके आगे का टॉपिक। हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स हैज़ ऑफ लेट बिकम ए लिटिल टू मच। हॉकिंस जो है वो गली में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन एनी स्टडी और राइटिंग एट होम। और वो अपना स्टडी और राइटिंग पे अपने घर पे कोई भी क्या नहीं कर सका, कंसंट्रेट नहीं कर सका। पर्टिकुलरली इफ़ वंस विंडो लुक ओवर ए स्ट्रीट, क्या पर्टिकुलरली सामान्यतः क्या होता है, सभी लोग विंडो से झांक करके देखते हैं। इवन इफ़ वन रिटायर्स टू द बैक ऑफ द हाउस, वन मे नॉट बी सेव्ड सिंस द होकर सीम्स टू सेट द पिच ऑफ हिज वॉइस इन द बेसिस दैट यू शुड बी सर्च्ड आउट द पियर्स्ड थ्रू एंड थ्रू। इवन इफ यू आर हाइडिंग इन द इनर मोस्ट रिसेस ऑफ द हाउस। अब देखेंगे जब भी गली में कोई भी व्यक्ति सामान बेचने के लिए आता है, जब वो अपनी आवाज़ लगाता है तो उसकी जो आवाज़ है वो सभी को डिस्टर्ब करती है और सभी लोग अपनी खिड़कियों से बाहर खिड़की खोल करके देखते हैं। एट द मोमेंट, उसी समय, आई एम राइटिंग दिस, मैं उसी समय लिख रहा हूँ, आई सी एंड हियर टू प्लेंटेन सेलर्स कमिंग ऑन ईच अदर हील्स। और मैंने जब ही दो बर्तन बेचने वालों की आवाज़ को सुना जो एक साथ आ रहे थे, ऑलमोस्ट ट्राइंग टू बैक ईच अदर आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। आई फियर दैट, मुझे डर था कि ग्रो मोर फूड कैंपेन हैज़ ब्रॉट इन ओनली मोर प्लेंटेन्स सिंस आई नोटिस टू मोर होकर कमिंग इन विद द सेम कमोडिटी। कि कभी ऐसा ना हो कि वो क्या कर रहे हों, कि वो ज़्यादा खाने का कोई अभियान चला रहे हों। नाउ फॉर ए वेरिएशन, अब एक परिवर्तन आया। आई सपोज सीकर ऑफ ओल्ड पेपर एंड एम्प्टी बॉटल्स इन एक्सप्रेसिंग हिज विश इन ए रिच स्पेस फिलिंग वॉइस, ए नाइफ ग्राइंडर इज एम्प्लॉइंग एन एंग्विस्ड क्राई लाइक वन कॉट इन ए ट्रैप एंड मैनी अदर्स फॉलो। उनमें से एक व्यक्ति कौन था जो रद्दी पेपर और खाली बोतल लेने वाला था, दूसरा था नाइफ को शार्प करने वाला यानी कि धार लगाने वाला। ऑयल केक टू लोटस फ्लावर ब्रिंजल्स एंड बेंजल्स, और क्या बेच रहा था वो गिंगरली बड़े आराम से, ऑयल केक टू लोटस फ्लावर्स ब्रिंजल्स एंड बैंगन, और वो कुछ बैंगन और कुछ फूल बेच रहा था। वी आर सराउंडेड बाय ए मूविंग लाउड मार्केट ऑल द टाइम, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बाजार में हैं, लगातार वो आवाज़ें आ रही थी। आई हैव ए ड्रीड ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू ए मैन ओइंग ए मोटरसाइकिल, और मैंने एक व्यक्ति को बड़े ही भयानक तरीके से मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा या सुना। When this motorcyclist out, जैसे ही ये मोटरसाइकिलिस्ट बाहर गया, the agitation of the creates last half an hour, और उस मोटरसाइकिल की आवाज़ आधा घंटे तक गूंजती रही। Even after a machine itself has gone out of sight, और जैसे ही ये मशीन बहुत दूर जाती है। On Sunday को this enthusiast test and touches up his engine, whereupon the whole locality is converted into a short or gold factory. जैसे कि आवाज़ हमारी फैक्ट्रीज से आती है, इस तरह की आवाज़ वहाँ पर आती थी। आई से गोल्ड फैक्ट्री, मैंने कहा गोल्ड फैक्ट्री, इन माई एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से कहा। इट इज़ द मोस्ट डिफीनिंग प्लेस ऑफ अर्थ वैन द ओर इज पुलवरिस्ड बिफोर बीइंग ट्रीटेड विद
साइनाइड, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लोहे को पीसने वाली कोई मशीन हो। दिस वॉज ऑल आई कुड कैच द होल प्रोसेस व्हेन आई विजिटेड ए गोल्ड माइन, तब मैं एक गोल्ड माइन में गया सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। माई गाइड वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी इन ग्रेट डिटेल, और उसने मुझे, मेरे गाइड ने बहुत डिटेल में बताया। बट आई कुड ओनली सी हिज लिप्स मूव, देयर वॉज सच ए क्लेटर ऑल अराउंड, और मुझे केवल उसके लिप्स की आवाज़, मतलब उसके लिप्स हिलते दिखाई दे रहे थे, बाकी उस माइंस से खटखटाहट की आवाज़ आ रही थी। इट हैज़ बीन द सेम एक्सपीरियंस फॉर मी इन एनी फैक्ट्री, और मेरी दूसरी फैक्ट्री का भी यही एक्सपीरियंस रहा। आई हैव ऑफन बीन टेकन अराउंड मैनी टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, मैंने बहुत सारी फैक्ट्री देखी। बट एज़ माई गाइड्स मूव देयर लिप्स, जैसे उस मेरे गाइड के लिप्स हिल रहे थे, आई गिव अप ऑल अटैम्प्ट्स एट नोइंग हाउ कॉटन और सिल्क इज कन्वर्टेड इंटू यान एंड फैब्रिक, और मैंने जानना चाहा कि किस तरह से कॉटन फाइबर और यान फैब्रिक से किस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं या यान धागा बनाया जाता है। दी नॉइज़ ऑफ मशीनरी इज़ ऑलवेज एट ए हायर श्रुति लाउडनेस, यहाँ पे यानी कि जो मशीन्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं। देन दी वॉइस ऑफ गाइड ए फैक्ट दैट इज़ जनरली ओवरलुक्ड बाई दोज हु टेक पीपल अराउंड फैक्ट्रीज वाइल ऑल द एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन। माई माइंड keeps feasting on vision of a zone of silence, के जैसे ही वो मुझे इसके बारे में बता रहा था, उसके लिप्स की जो बोलने की जो वो थी स्पीड, उसी से मुझे पता लग रहा था कि वो क्या कह रहा है। आई अबैंडन्ड ए वेरी कम्फर्टेबल हाउस वंस बिकॉज ऑफ ए नेबर हु स्विच्ड ऑन हिज रेडियो एवरी मॉर्निंग एट 5, और मैंने जब मैंने एक आरामदायक घर छोड़ा, तो जहाँ पर मेरा पड़ोसी क्या करता था, सुबह रोज़ 5 बजे रेडियो चलाता था। लॉन्ग बिफोर इवन द गेट्स वर अनलॉक्ड इनटू एनी रेडियो स्टेशन, जैसे ही वो गेट खोलता था, वर अनलॉक्ड इन एनी रेडियो स्टेशन, या जब वो कोई स्टेशन बदलता था, द रिज़ल्ट ऑफ सच एन अर्ली स्विचिंग ऑन वॉज दैट द रेडियो द नेबर्स कीप अप ए शॉर्ट ऑफ हमिंग, और मुझे एक हमिंग की आवाज़ सुनाई देती थी जैसे ही वो स्टेशन बदलता था। ए मोस्ट हार्शिंग accompaniment unbroken like the humming of a 1000 bees, और मुझे ऐसा लगता था जैसे हजारों मधुमक्खियाँ भिन भिना रही हों। आई फियर दैट, मुझे डर है कि दिस सिमिली मे बी मिसलीड माई रीडर्स, ये मेरे पाठकों को क्या करेगी, मिसलीड करेगी यानी कि भटकाएगी। By its poetic association, इस poetic association में, but far from it, इससे दूर, this humming was like the squeering, ये हमारे लिए सीख है, is one brain many instrument of torture, ये जितने भी जो हमारे instrument है ये हमारे brain को torture करते हैं। Sometimes like a pneumatic ड्रिल ऑपरेटिंग एट वंस टेम्पल्स, आपने देखा होगा जब क्या होता किसी भी मंदिर में ड्रिल किया जाता है। वेन माई नेबर शुड हैव क्यूड अप सो अर्ली इन द डे इन ऑर्डर टू रिसीव ए रेडियो प्रोग्राम वॉज ए थिंग आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, और मेरे पड़ोस में जो रेडियो पर प्रोग्राम चलता है और मैं उसे कभी नहीं समझ सका। इट्स ओनली इफेक्ट वाज टू मेक मी गेट अप अर्ली सिंस, और परंतु मैं उससे बहुत जल्दी जाग जाता था। आई डोंट लाइक टू लाई इन बेड वेलोइंग इन अनचैरिटेबल नेबरली थॉट्स द थिंग्स इन द डे, और जैसे कि मुझे ये सब पसंद नहीं है कि वहाँ से लौटना और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा जो मेरे पड़ोस में होता है।
Moreover, I was not without hope since a friend who knows all about radios told me. मेरा एक मित्र जिसने मुझे रेडियो के बारे में सब बताया. That neighbors habit of switching on the radio when the transmitter was still cold was the surest way of destroying the valves. जिस तरह से किसी भी ये तुम्हारा कोल्ड जो ट्रांसमीटर में ऐसी आवाज़ होती थी जैसे उसका जो वाल्व है वो बहुत ज़्यादा घिस गया हो. इफ़ नॉट द रेडियो इट सेल्फ बट नथिंग अक्यूड अलोंग दोज हैप्पी लाइन्स एंड आई हैड टू मूव ऑन. और बट उस रेडियो की कभी भी मुझे कोई अच्छी लाइन नहीं लगी. आई हैड टू मूव ऑन और मुझे ये सुनना पड़ता था. आई समटाइम्स फील मैंने कुछ समय महसूस किया दैट गॉड कि भगवान हु कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी जिसने ये मानवीय शरीर बनाया विद सो मच फोर थाट सीम्स टू हैव बिकम वियरी जो हमें अपने विचारों से थकाऊ बना देता है. वैन ही केम टू ईयर्स जो हमारे कानों में आता है एंड लेफ्ट दैम एज द मोस्ट रिन्यूएबल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. और हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसे हम वल्नरेबल पोर्शन कहते हैं. दिस रिजल्ट इज दैट इसका परिणाम यह है कि वी स्पेंड ऑल आवर आर्स लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट वी कैन नॉट अटेन नेमली साइलेंस. कि हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, हमें हमेशा बिल्कुल लंबे समय तक अपना समय स्पेंड करना चाहिए. ठीक है, समटाइम्स कभी कभी दैट वी कैन नॉट अटेन नेमली साइलेंस. कभी कभी हमें नाम से भी शांत रहना नहीं रहना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें और कल मैं इसका आपको होमवर्क सेंड करूँगा. गुड बाय स्टूडेंट्स.